Microtubules organizing centers first the contents, microtubules elongation and microtubule nucleation, microtubule organizing centers, centrosomes as microtubule organizing centers, basal bodies as microtubule organizing centers. The students, baat hain what are microtubule organizing centers? As name is indicating. कि ये बेसिकली सेल के अंदर वो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनती हैं और उससे पूरे सेल के अंदर जो है वो एक नेटवर्क उनका फैल जाता है अगर माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो साइटोस्केलेटन का बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं तो माइक्रो माइक्रोट्यूल्स पूरे सेल के अंदर नहीं बनती हैं बल्कि स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ से बनती हैं और फिर वो पूरे सेल के अंदर एक्सपेंड कर जाती हैं फैल जाती हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनती हैं दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोट्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स नाम ये है कि वो जगह यानी माइक्रोटिब्यूल को ऑर्गेनाइज करने वाली या बनाने वाली जो हो पोजिशन जो हो सेंटर्स हैं अच्छा माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइज होने या सेल के अंदर माइक्रोटिब्यूल्स बनने का फिनोमेना देखें तो उसमें दो स्टेप्स तो हैं इंपॉर्टेंट एक है माइक्रोटिब्यूल न्यूक्लिएशन एंड सेकेंड वन इज माइक्रोटिब्यूल इलॉन्गेशन माइक्रोटिब्यूल न्यूक्लिएशन है माइक्रोटिब्यूल के सेंथसिस का इनिशिएशन स्टार्ट होना जब माइक्रोटुल्स बनना शुरू करती हैं तो दैट इज़ रिलेटिवली स्लो स्टेप और इस स्लो स्टेप को हम क्या कहेंगे इट इज़ अ माइक्रोटिब्यूल न्यूक्लिएशन यानी माइक्रोट्यूल की इनिशिएशन होने जा रही है अभी वो बनने जा रही हैं और फिर जब इनिशियल कुछ कम्पोनेट माइक्रोटिबल का बन जाता है तो फिर उसके बाद उसके आगे इलागेशन स्टार्ट हो जाती है तो एलॉन्गेशन न्यूक्लिएशन की नस्बत एक जो है वो रिलेटिवली रैपिड प्रोसेस है थोड़ा स्पीडी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लिएशन तो वेयर माइक्रोटिब्यूल्स आर फॉर्म्ड अब माइक्रोट्यूल सेल के अंदर कहाँ बनती है? so हैं दे आर फॉर्म्ड इन द माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ माइक्रोट्यूल्स जो है वो बनती हैं और आता आस्ते वहाँ से अपीयर होना शुरू होती हैं अगर हम इसको माइक्रोटिब्यूल जो माइक्रो माइक्रोटिब्यूल ऑर्गनाइजिंग सेंटर्स हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू इसको ऑब्जर्व करें आम तो आम पर ये वैसी है जैसे किसी खास सेंटर से रेडिएशन इमर्ज हो रही होती जैसे हमारे पास यूँ समझे एक बल्ब है या फिर एक सन है तो वहाँ से सनलाइट जो है वो पूरी आगे पीछे जो स्प्रेड आउट हो रही होती है सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल कर पूरे सेल के अंदर रेडिएट आउट कर रही होती हैं फैल रही होती हैं इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट है जो ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड है दिस ब्राइटली कलर्ड पोर्शन इज एक्चुअली द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर और यहाँ से माइक्रोट्यूबल्स जो है वो अपीयर होती हैं और आहिस्ता पूरे सेल के अंदर जो है वो रैपिडली जो है वो फैल जाती हैं यानी कि माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से माइक्रोट्यूबल जो है वो, वो पेरिफेरल रीजनस के अंदर या बाकी इलाकों के अंदर आहिस्ता आसा जो है वो स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाती हैं जिससे सेम यो समझे कि एक दरख्त है उसे शाखें निकल कर जो है पर बढ़ना शुरू कर देती हैं इसी तरह से जो माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है यहाँ से माइक्रोट्यूबल्स बनती हैं और आहिस्ता आस्ता बाहर की तरफ बढ़ती चली जाती हैं माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स असल में अगर हम इसको देखें तो ये जो भी जगह जहाँ माइक्रोट्यूबुल्स बनती हैं दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग सेंटर सेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं वन इज़ द सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम बेसिकली न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब का एक स्पेसिफिक इलाका है जहाँ जो है वो माइक्रोट्यूबुल्स बनती हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्युल मौजूद है वो आमतौर तो पर सेंट्रोसोम हिस्से ही ओरिजिनेट होकर फैला हुआ होता है अगर हम सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर उसको स्टडी करें तो दैट इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स वन इज द सेंट्रियोल एंड अदर वन इज द पेरी सेंट्रियोलर रीजन तो सेंट्रोसोम बेसिकली इसका जो मेन सेंटर वाला हिस्सा होगा उसको हम दैट विल बी कॉल्ड द सेंट्रियोल्स वो सेंट्रियोल पर कंसिस्ट करता है ये सेंट्रियोल्स वही हैं जो सेल डिवीजन के दौरान जो होता है वो माइटोटिक अप्रेटर्स बनाते हैं जबकि सेंट्रियोल्स का जो साइड का इलाका है दैट इज कल दैरी सेंट्रियोलर रीजन ये दोनों चीज़ें मिलकर जब वो सेंट्रोसोम बनाती हैं अब इंडस्ट्रेक्टली अगर आप देखें जो माइक्रोट्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स की न्यूक्लिएशन स्टार्ट होती है बनना स्टार्ट होती हैं और फिर माइक्रोट्यूब्यूल अपने अगले सिरों के ऊपर ग्रो करती हैं यानी ऐसा नहीं है कि अगर आग, हम ये कहें कि ये एक माइक्रोट्यूल है तो जब इसने ग्रो करना शुरू किया तो ये नीचे से ग्रो नहीं करती है बल्कि होता ही है कि सबसे पहले माइक्रो का एक छोटा सा पीस बन जाता है इसको कहते हैं न्यूक्लिएशन हो गया अब इसके ऊपर फर्दर जो है माइक्रो की सब यूनिट्स ऐड होती चली जाएंगी और इससे ये माइक्रोट्यूबल की इलॉन्गेशन होती जाएगी तो माइक्रोट्यूल्स की जो बनना है उसका जो है वो वो बेसिकली उसके बेस से वो इमर्ज नहीं होता है बल्कि पहले न्यूक्लिएशन होती है उसके बाद उसके ऊपर सब यूनिट्स जो है वो अटैच होती चली जाती हैं अगर हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल है तो उसका जो सबसे आगे वाला सिरा है उस उसमें सबसे नई वाली सब यूनिट्स ऐड हुई होंगी और जब इसका शुरू वाला सिरा उसमें सबसे पुरानी माइक्रोट्यूबल मौजूद होंगी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस डायग्राम इज अबाउट द सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम में पहले मैंने कहा कि जैसे न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब का इलाका जो होता है वो ये सेंट्रोसोम जब मौजूद है यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने रेक्ट एंगल के अंदर सेंट्रोसोम मौजूद है इस सेंट्रोसोम के कंपोनेंट्स में आ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है ये सेंट्रोल्स आप देख सकते हैं और सेंट्रियोल के साथ ये जो फाइबर्स बने हुए दिस देखते बेसिकला पेरी सेंट्रियोलर रीजन है ये तो पेरी सेंट्रोलर रीजन और सेंट्रोसोम ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो सेंट्रियोल्स और पेरी सेंट्रियोलर रीजन ये दोनों चीज़ें मिलकर सेंट्रोसोम जो है उसको बना रही हैं जब माइक्रोट्यूबुल्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर अगर आप देख सकते सेकेंड डायग्राम के अंदर कि इसी सेंट्रोसोम से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होना शुरू होती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे सेल के अंदर फैल जाती है तो पहले इसकी न्यूक्लिएशन होगी और न्यूक्लिएशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इलांगेट करेंगे और पूरे सेल के अंदर एक साइटोसकेल्टन का एक नेटवर्क जो है वो बना देती है सेकेंड जो इंपॉर्टेंट माइक्रोट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है दैट इज द बेसल बॉडीज आपको पता है जो बेसल बॉडी है वो सीलिया या फ्लेजेला के बेस के ऊपर मौजूद होती है बेसल बॉडीज आमतौर तो पर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ यानी कि जहाँ से सीलिया या फ्लिजम ओरिजिनेट हो रहा है तो सीलिया या फ्लिजेला के बेस के ऊपर जो है वो बेसल बॉडीज मौजूद हैं इंटरेस्टिंगली बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल होता है सेम होता है वो भी नाइन ट्रिपलेट्स पर मुश्तम होती हैं बेसल बॉडीज जो जबकि जो सेंट्रीओल्स हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ नाइन ट्रिपलेट्स ऑफ दी माइक्रोटिब्यूल्स अब बेसल बॉडी से ही आगे पूरा सीलिया या फिलेजलम बनता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोट्यूल बनना है वो बनाता है सेंट्रोसोम जबकि साइटोप्लाज्म से बाहर यानी सीलिया या फ्लिजेलम को जो के अंदर जो माइक्रोट्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली और दे आर बेसिकली ऑर्गेनाइज बाई द बेसल बॉडीज तो बेसल बॉडीज तरह से दूसरा माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है यह आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि यह हमारे पास सबसे नीचे बेसल बॉडी है सीलिया या फ्लिजेलम बनने से पहले जहाँ सीलिया या फ्लिजेलम ने बनना है वहाँ सबसे पहले आकर बेसल बॉडी जब वो मौजूद होती है वो वहाँ जो आपने आपको एडजस्ट करिए अरेंज करेगी अब इसके बाद बेसल बॉडी के ऊपर एक सीलियम या फ्लेजिलम जो बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीलिया या फ्लिजिला का जो स्ट्रक्चर है जो कि मेनली माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही बना होता है इसको बनाने के लिए जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेसल बॉडीज़ हैं इसलिए सीलिया है और फ्लेजिला के केस में जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होगा विल बी द बेसल बॉडीज़